अस्सलाम वालेकुम जी हाँ व्यूअर्स बिल्कुल सही पढ़ा आपने जी फुल मॉन्टेसरी कोर्स इन ओनली सिक्स डेज़ तो इस वीडियो में आ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम आ, आगे शेयर करेंगे आपके साथ सिक्स वीडियोस का सेट और उन सिक्स वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपका मॉन्टेसरी डिप्लोमा जो कि एक साल का होता है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इन सिक्स वीडियोज़ में मिल सकती है तो लेट्स सी क्या कुछ है आपके लिए तो फर्स्ट वीडियो विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन टू मॉन्टेसरी सेकेंड वीडियो विल बी ऑन ई पी एल एंड देन सेंसोरियल डिवेलपमेंट आफ्टर दैट विल लैंग्वेजेस बोथ इंग्लिश एंड उर्दू एंड देन मैथ्स और आखिर में कल्चर तो ये सिक्स वीडियोस का सेट उन टीचर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है जो कि एक मॉन्टेसरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं या वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रही हैं और इसमें उनके पास कोई मॉन्टसरी की क्वालिफिकेशन नहीं है और इसके अलावा एज अ पेरेंट भी आप ये कोर्स कर सकते हैं एज अ पेरेंट आप दिस कोर्स विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू फॉर फॉर पेरेंटिंग गाइड एंड आल्सो फॉर एजुकेशनल अपब्रिंगिंग ऑफ योर चाइल्ड सो लेट्स मूव ऑन जी तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मॉन्सरी मेथड ऑफ टीचिंग तो जनाब सबसे पहले ये मानसरी मेथड इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर मारिया मानसरी ने dr. maria montessori is the founder of montessori method and regarded as a pioneer in the field of early childhood education. she is also respected and reputed for uh, promoting a significant number of important educational reforms which now have become integral component of the 21st century, century educational core. montessori method involves child-led activities based on the theories of child development and uh, it is also based on प्रैक्टिकल लर्निंग तो जनाब आपको मॉन्टस्री मेथड के बारे में इतना जानना काफ़ी है कि ये टोटली प्रैक्टिकल एजुकेशन है इट इन्वॉल्वस चाइल्ड लाइन एक्टिविटीज़ मीन्स कि हर किस्म की एजुकेशन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है मॉन्स्री मेथड में और ये सारी जो है वो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर बेस्ड ऑन थीरीज़ ऑफ़ डॉक्टर मॉड मॉन्सरी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉन्सरी मेथड में और एक ट्रेडिशनल प्री स्कूल सिस्टम में क्या डिफरेंस है मानसरी चिल्ड्रन आर इनक्रेज टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू मेक च्वाइस एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देअर ओन इवन एट टॉडलर लेवल दे आर गिवन फ्रीडम विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास रूम सो सोशली दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड गेन मोर सोशल स्किल्स वेयर एज इन द ट्रडिशनल स्कूल चिल्ड्रेन आर dependent on teachers guidance and ultimately they lack confidence in problem solving and other social areas next we will discuss eight principles of montessori method of teaching these will include movement and cognition choice of activities interest reward learning from peers context adult interaction and order now let's um, discuss these points in detail Movement. Uh, Montessori system lays great em emphasis on the importance of movement in the child's life. Everyone knows that children are constantly on the move. This need for constant movement, which is so irresistible in childhood, apparently diminishes as we grow. So Montessori helps to create the means for subjecting motor impulses to the will. Thus, motor development. Uh, more developed a child is, the more obedient are his instruments of motion to his will. तो जनाब अगर आप बच्चे को उसकी मोशन से उसकी मूवमेंट से रोकेंगे तो उसकी ग्रोथ पे मेंटल एज़ वेल एज़ फिज़िकल ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा तो मॉनसली मेथड में मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है कोई बच्चा किसी भी वक्त अपनी सीट से उठ के दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ दूसरी चीज़ों की तरफ मूव इजीली कर सकता है अनलेस एंडल के वो किसी को हार्म नहीं कर रहा आ, कोई हर्ट नहीं कर रहा और डिस्टर्बेंस इस तरह की नहीं क्रिएट कर रहा जो कि नुकसानदेह है ए, उसके लिए अपने लिए या फिर किसी दूसरे बच्चे के लिए उस वक्त तक उसको वहाँ उस मूवमेंट से नहीं रोका जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मोस्टली केसेस में हमारे यहाँ नहीं फॉलो uh, किया जाता मैंने पहले भी बताया आपको कि मूवमेंट पे अक्सर स्कूल्स में पाबंदी होती है बच्चों के ऊपर कि जी बैठें अपनी सीट के ऊपर बैठें लेकिन ट्रू मॉडिसरी सिस्टम में ऐसा नहीं है इसी तरह घरों में एज अ पेरेंट आपको आप अपने बच्चे की मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए उसको अपनी विल के मुताबिक जहाँ कहीं वो जाता है जहाँ नहीं, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग कोई चीज नजर आती है उसको तो उसको उसके लिए आजादी होनी चाहिए मूवमेंट की क्योंकि इसी से बच्चों की लर्निंग डेवलपमेंट होती है तो पहला पॉइंट आपने सीखा कि मूवमेंट कितनी जरूरी है एक बच्चे के लिए लर्निंग डेवलपमेंट uh, में नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द चॉइस चॉइस की बात मैं करूँ तो इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के सामने डिस्प्ले uh, कर दी जाती हैं बट uh, एक प्लान के थ्रू यानी वो मल्टीपल uh, एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं जो कि टीचर्स ने पहले से प्लान कर रखी होती हैं और उसमें रिलेटेड टू टॉपिक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है ज़रूर और उस ट्रू मॉडिसरी सिस्टम में बच्चे के पास ये चॉइस होती है कि वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी करना चाह रहा है कोई कलरिंग करेंगे कोई कटिंग करेंगे कोई और ट्वाइस uh, के साथ वो uh, लर्न कर लेंगे लेकिन उनके पास चॉइस होती है वो अपनी मर्जी की एक्टिविटीज़ करें ना कि वो एक टिपिकल जो है वो जी रिटर्न और रीडिंग और जो वो टिपिकल सिस्टम में या ट्रेडिशनल सिस्टम में होता है कि वो बैठ के अपने टेबल और चेयर पे एक टीचर की गाइडेंस में काम करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक ट्रू मॉनिटरी इन्वामेंट में बच्चे को के पास मल्टीपल uh, एक्टिविटीज़ की चॉइस होती है ये इसी uh, को देखते हुए मैं आपको एज अ पेरेंट भी गाइड करूँगी कि घर में भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होना चाहिए उसको अपनी चॉइस का गेम uh, खेलने दें उसको अपनी चॉइस की एक्टिविटीज़ करने दें हाँ उस वक्त तक जब तक कि वो हार्मफुल ना हो चले आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जी चॉइस की वजह क्या है इंटरेस्ट बच्चा जब अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को आ, करेगा जो चीज़ उसमें उसको इंटरेस्ट होगा तो उस इंटरेस्ट की वजह से आ, उसकी लर्निंग जो डेवलप होगी उससे वो जो सीखेगा वो आप उसको किसी और तरह से नहीं सिखा सकते अ ट्रू मॉन्ट्री मेथड फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोग every child is unique they are unique in terms of both their physical and mental abilities they have unique physical features such as face fingerprints etc and uh, similarly they have unique cognitive emotional uh, psychomotor and intellectual abilities. The same is the case with their interests and passions, their development milestones, and their pace of learning. No two individuals are alike. In Montessori House, it this uniqueness is celebrated and treated with a sense of respect and appreciation. सो ट्रू मसरी इन्वायरमेंट अगर होगा तो उसमें बच्चे के इंटरेस्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा क्योंकि इसके बगैर लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है जी आप आते हैं लर्निंग फ्रॉम पीयर्स एक बच्चे को मॉन्टसरी एनवायरनमेंट के अंदर टीचर गाइडेंस के साथ साथ एक जो पीयर्स के साथ जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है यानी बच्चा जो अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलने से जो चीज़ सीखता है वो एक टीचर जो है वो उसको नहीं सिखा सकती उस तरीके से लर्निंग फ्रॉम पीयर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ ट्रू मॉन्टेसरी इन्वामेंट जो है वो वो ऑफर करती है एक इन्वायरमेंट दी जाती है बच्चों को और वो बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं और एज अ पेरेंट मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चा अकेला है या उसके बहन भाई उसके साथ नहीं अटैच ज़्यादा डिफरेंस है एज डिफ़रेंस है तो आप उसका के फ्रेंड्स बनवाएं उस बच्चे को सोशली जो है वो उसको ऐसा चांस प्रोवाइड करें कि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे वो खेले उनके साथ टाइम स्पेंड करें चाहे वो कोई आपके रिलेटिव्स हों चाहे वो उसके नेबर्स हों या कहीं बाहर पार्क में उसको लेके जाएं, लेकिन एक इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स एंड पीयर्स दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट मेंटल एज वेल एज़ फिज़िकल She now comes to a very important point, the absorbent mind. <clears throat> Unlike other animals, the child is born as a spiritual embryo that has unique potentialities to acquire specialized behavior and characteristics from the culture or of, of the place where he grows. Dr. Maria Monsri referred to these potentialities as nebula. These potentials of the spiritual embryo his uh, interaction with the environment and the absorbent mind collectively determine as to how he will develop intellectually and spiritually what is the personality be, will be like what is uh, what are his interests uh, and in which areas will he progress more rapidly than the others what will be his strengths or weaknesses and in which areas will he be more intel intelligent than the others जी आपको पता चला इसमें कि जी एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसकी जो इन्वायरमेंट है उससे वो सीख रहा होता है और उसका इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट और उसका जो ऑब्ज़ॉर्बेंट माइंड है जो जो चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वो सारी चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू जा रही होती हैं तो वो इसलिए ये एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान की जाती हैं के उसके ज़रिए जो है बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है और वो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसको ऐसी इन्वामेंट दी जाती है कि जिससे उसकी लर्निंग जो है वो इनहानस हो जाती है क्योंकि यही टाइम है कि जिस वक्त बच्चा जो है वो सीख रहा है और इस इम्पॉटेंट टाइम को हम मिस कर देंगे तो उसकी लर्निंग जो है लर्निंग पेस वो भी अफेक्ट होगी और इसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो सारी जो है इस एज में डेवलप हो रही होती हैं तो ये एज जो है वो उनकी एबजॉर्बेंट uh, माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है जी अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडल्ट इंटरेक्शन इन ट्रू मॉन्ट्री इन्वायरमेंट द एडल्ट इंटरेक्शन इज वेरी मिनिमम जो गाइडेंस है वो सिर्फ़ एक हद तक एक लिमिट तक दी जाती है और उसके बाद बच्चे को ख़ुद करने दिया जाता है उसके ऊपर बहुत रोक टोक नहीं होती उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ uh, नहीं किया जाता कि नहीं तुमने गलत कर दिया है वो कंट्रोल ऑफ़ एरर्स के थ्रू खुद सीखता है अब ये कंट्रोल ऑफ एरर क्या है तो जनाब कंट्रोल ऑफ एरर इन एक्टिविटीज़ के प्लान करते वक्त ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि जिसके करने से बच्चा खुद समझ जाए कि उसने कुछ गलत किया है इन एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्लान किया जाता है और गाइड किया जाता है बच्चे को कि वो खुद से ही ट्राई करते करते इस नतीजे में पहुंचता है कि वो अब सही करने लग गया है ये एक्टिविटी जी और लास्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर यानी एक ट्रू मॉटिस इन्वायरमेंट में हर चीज़ अपने ऑर्डर में रखी होती है उसकी प्लेस होती है और वो प्लेस अप्रोच में होती है बच्चों के और बच्चों की एक्सेस में होती है हर चीज़ ताकि वो जब चाहे जिस एक्टिविटी को इस्तेमाल करना चाहें वो इजीली उसको यूज़ करें और वापस अपनी प्लेस पर रख दें इस चीज़ की बच्चों को में ट्रेनिंग दी जाती है कि हर चीज प्लेस पर रखें एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझती हूँ who has sensitive period sensitive period are the miraculous gift of the nature to prepare a child to live in the world thus providing the child a suitable learning environment and freedom to carry out his inner urge becomes a responsibility of the adults Montessori teachers and parents should observe the child for their behaviors and activities to discover what sensitive periods they are going through sensitive period ke liye, mm, तो सेंसिटिव पीरियड उस एज को कहते हैं कि जिस टाइम पीरियड में बच्चा जो है वो इंटरेस्ट शो करता है किसी काम को करने में और जब वो इंटरेस्ट शो कर रहा होता है तो उसकी लर्निंग जो है वो उस वक्त पीक पर होती है तो ये इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे का लर्निंग पीरियड uh, इस वक्त कौन सा है जैसे कि चाइल्ड रिपीटडली इंगेज इन सर्टेन एक्टिविटीज़ चाइल्ड वर्क्स विद कम्प्लीट फोकस एंड कंसनट्रेसन ऑन दोज एक्टिविटीज़ और इसके अलावा बच्चा जो है वो एक सूटेबल इन्वामेंट और फ्रीडम जब उसको मिल जाए तो वो नॉर्मलाइज बिहेवियर होता है उसका वो नॉर्मलाइज हो जाता है वो ना ही जिद करता है ना शोर करता है ना ही आपको तंग करता है उस टाइम पर और इसके अलावा एक इंडिकेटर ये भी है कि लर्निंग टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स अगर आप उसको प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट देंगे तो उसको लर्निंग पे फोकस uh, करने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू कर देगा उस इन्वायरमेंट में जी यहाँ आपको मैं बताती हूँ कि ऑर्डर जो है वो बच्चे का आ, जो पीरियड है वो एटीन मंथ से टू इयर्स तक है यानी टू इयर्स से ऑनवर्ड्स भी फाइव इयर्स तक के बच्चे भी उसको um, सीखते हैं ज़्यादातर लेकिन इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं व्हाट इज ऑर्डर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड नीड फॉर एन ऑर्डर्ड इन्वायरमेंट लव फॉर कंसिस्टेंसी लव फॉर रेपिटेशन एंड डिस्टर्ब बाय डिसऑर्डर यानी एक बच्चा बार बार वही ऑर्डर देख के वो सेटिस्फाई होता है उसकी चीज़ एक ही जगह पे रखी हुई उसको मिले वो ख़ुद भी वहाँ पर ही उस चीज़ को रखे वापस और उसके बाद अगर वो चीज़ वहाँ से हट जाए तो वो उस डिसऑर्डर से डिस्टर्ब हो जाता है और उसको एक ऑर्डर्ड इन्वायरमेंट जो है वो उसकी नीड है एटीन मंथ से टू इयर्स तक का तो बहुत ज़्यादा ये टाइम पीक टाइम है अदरवाइज ये फाइव इयर्स तक आप इसको बच्चे को सिखा सकते हैं के ऑर्डर में कैसे चीज़ रखी जाए अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी एज है इतने छोटे बच्चे को क्या पता ऑर्डर का कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है यही हमारी गलती है हम समझते हैं कि अभी तो छोटा है बड़ा हो के सीख जाएगा लेकिन बड़ा होने के बाद वो उस चीज़ का आदि हो जाता है उस डिसऑर्डर का वो आदि हो जाता है बच्चा और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि बच्चा अपनी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखता तो ये चीज़ ऑर्डर सिखाने के लिए बच्चे को 18 मंथ से ही आपने प्रैक्टिस शुरू करवा देनी है और फाइव इयर्स तक आप समझ लें कि ये चीज़ जो बच्चे की हैबिट बन जाती है और उसमें वो आगे चल के पूरी लाइफ जो है उसकी ऑर्डर में ही गुजरती है नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग बर्थ से लेके थ्री इयर्स तक का बच्चा जो है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में एक्सेल करता है यानी वो खुद ब खुद सीख रहा होता है लिसनिंग के थ्रू और बोलने के थ्रू अगर आप आ, बाद में उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहें तो वो उसके लिए मुश्किल होगी अब थ्री इयर्स से पहले पहले उसको आपने जो वर्ड्स वो और आ, आ, उसने उसके दिमाग में गई हैं वो चीज़ें उसको हमेशा याद रहेंगी और थ्री इयर्स के बाद जो लैंग्वेज वो लर्न करता है नो डाउट कि वो लर्निंग तो होती है लेकिन उसकी पेस जो है वो स्लो हो जाती है फिर आ गया आ गया राइटिंग का राइटिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स से फोर पॉइंट फाइव ईयर्स तक अब आप ढाई साल के बच्चे को एक्सपेक्ट करें कि वो स्कूल जाता है और कुछ नहीं लिखता है उसकी कॉपियां खाली होती हैं तो ये उस बच्चे के साथ से आती है क्योंकि उसका सेंसिटिव पीरियड ही 3.5 से 4.5 इयर्स है जब उसका सेंसिटिव पीरियड आएगा तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली राइटिंग की तरफ फोकस्ड हो जाएगा उसको मजा आने लगेगा राइटिंग करने की वो डिमांड करेगा कि मिस मुझे टीचर मुझे दें कोई रिटन वर्क दें और इसी तरह वो पेरेंट को भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसको कॉपी पेंसिल दें ताकि वो राइटिंग एक्सरसाइज करे रिटन वर्क करे उसके हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ाना जो है वो थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स के बाद स्टार्ट करें उससे पहले उसको एक नहीं इस राइटिंग की प्रैक्टिस में डालने की ज़रूरत देन रीडिंग रीडिंग इज़ 4.5 years to 5.5 years टू years तक का बच्चा जो है वो अच्छी खासी रीडिंग सीख चुका होता है और अब आप ये समझें कि इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट रीडिंग नो दे कैन recognize द phonics और phonics और blending के थ्रू एक मॉन्सरी का बच्चा जो है वो उसको ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं कि देट चाइल्ड विल बी एबल टू रीड स्मॉल सेंटेंसेस एंड सिंपल विकैबलरी ठीक हो गया अब कुछ और चीज़ें हैं जिनका मैं आपको ऑर्डर बताती हूँ नेक्स्ट इज मूवमेंट मूवमेंट जो है वो बर्थ से फोर इयर्स अब मूवमेंट तो बच्चा सारी जिंदगी या बड़े होने तक भी करता है लेकिन उस मूवमेंट से जो उसकी लर्निंग अफेक्ट होती है वो टाइम जो है वो बर्थ से फोर इयर्स तक का है कि वो आप उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें कि जिससे उसको आ, की लर्निंग एनहांस हो और मॉन्सरी एक्सरसाइज इसमें बेस्ट रोल प्ले करती हैं और आ, इसी तरह टॉयलेट ट्रेनिंग है टॉयलेट ट्रेनिंग में आप 18 मंथ से थ्री इयर्स तक का टाइम जो है वो बेस्ट है इससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो तो वो भी नहीं होगा और थ्री इयर्स के बाद अगर आप लेट कर देते हैं कि थ्री इयर्स तक आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो फिर दैट्स अलार्मिंग उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको टॉयलेट ट्रेन करना और देन इज़ म्यूज़िक म्यूज़िक बर्थ से लेके कर इयर्स तक बच्चों को आपने देखा होगा कि राइम्स कितनी जल्दी याद होती हैं राइम्स के ज़रिए वो कितना इंजॉय करते हैं लर्निंग को तो यही वजह है कि क्लासेस में मानसरी क्लासेस में आ, म्यूजिक को आ, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है उसका प्ले किया जाता है और उसके बाद है लर्निंग फ्रॉम सेंसेस ये चीज़ जो है वो मॉन्ट्री बहुत इस पर फोकस करते हैं कि सेंसोरियल डेवलपमेंट कैसे की जाए बच्चे की थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनकी सेंसेस को डेवलप किया जाता है और ये 2.5 पॉइंट से लेके 6 इयर्स ईयर्स तक का टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें उसके तमाम सेंसेस को इन्हांस किया जाता है एक ट्रू मॉन्टसरी इन्वामेंट में और मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में Uh, ये एक्सरसाइजेज आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने घरों में अपने बच्चे की सेंसेस को डेवलप करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस करवानी है तो जनाब ये हमारे uh, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ दैट वाज इंट्रोडक्शन टू द मॉटसरी मेथड ऑफ टीचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ईपीएल पी सो कीप इन टच हमारी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप के लिए एक एज़ अ पेरेंट और एज़ अ टीचर ये आपके लिए हेल्पफुल हो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ गुड बाय